बिहार की राजधानी पटना के अलावा भोजपुर, बक्सर, गया और जहानाबाद समेत कई जिलों में रविवार की देर रात से मौसम सुहाना हो गया है। लगातार हुई झमाझम बारिश ने गर्म हो चुकी धरती को ठंडक दे दी है, वहीं लोगों को उमस से भी राहत मिली है। सोमवार की सुबह भी राजधानी पटना में बादलों ने डेरा डाले रखा। लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, पटना, बेगूसराय, सहरसा, समस्तीपुर, नालंदा, शेखपुरा, दरभंगा और सुपौल जिलों के लिए सोमवार की सुबह ही बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि इस साल अगस्त में मॉनसून बिहार में सामान्य से कम बरसा। हालांकि ताजा हालात को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि सितंबर में बिहार में मॉनसून की बारिश सामान्य के स्तर पर ही रह सकती है। उधर पटना मौसम विज्ञान केंद्र से जारी अपडेट के मुताबिक आज यानी 4 सितंबर को पटना के अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली सेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, जमुई और बांका में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं 5 सितंबर के लिए मौसम विभाग ने जो अपडेट जारी किया है उसके मुताबिक सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, नालंदा और नवादा जिले में अच्छी बारिश की संभावना है। मॉनसून की द्रोणी रेखा फिलहाल हिमालय की तलहटी वाले इलाके से गुजर रही है। ऐसे में अगले 24 घंटे में राज्य के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।